अब अभय देव जी और संजय जी जरा बोलिए और ये आप प्रेम प्रेम से संदेश भेजिए। आज मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप सजेशन सरकार को भेजिए। सफलता मिली है, सदन में इतने देर तक बहस हुई है और सहारा के निवेशकों को लेकर के बहस हुई है और पर्ल्स के निवेशकों को लेकर के बहस हुई है, तो ये हम लोगों के दबाव की वजह से ये सब हो रहा है और सब आप लोगों के दबाव की वजह से हो रहा है, सबके सहयोग से ये काम हो रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि बारी बारी से सजेशन दीजिए सरकार को, क्योंकि सरकार हमारे कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से देखती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। उन्हें मालूम है, क्योंकि मैं कोई अनर्गल बात, मैं मुझे जो सवाल सरकार से पूछना होता है बहुत डंके की चोट पर मैं पूछ रहा हूं डंके की चोट पर, कि जिस प्रक्रिया से आप पैसे की देनदारी कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, उसमें तो 50 साल लग जाएंगे, तो यह तरीका ठीक नहीं है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मजबूती से पूछ रहा हूं। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका हो सकता है जो आज निर्मला सीतारमन को आपके तरफ से ये संदेश जाए और सहकारिता मंत्रालय तक जाए। मेरे समझ में जो आ रहा है कि एक जज और एक एमेकस क्यूरी के विजिलेंस में पैसे की वापसी नहीं हो सकती है। अभय देव जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरी विस्तृत विवरण दिया। आज के सदन में जो जोरदार हंगामा हुआ, और मैं क्यूआर नेटवर्क को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ देश के वो सभी निवेशक साथी जिन लोगों ने इस आंदोलन को बड़ा किया, जिन लोगों ने इस आंदोलन की धमक को देश की सरकारों तक पहुंचाया, जो लोग सड़कों पे रहे, जिन लोगों ने अथक मेहनत किया, जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन लोगों ने तमाम पुलिस की प्रताड़नाएं सही, जो लोग जेल गए, जिन लोगों ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, उन सभी लोगों के आंदोलन के दौरान किए गए कार्यों का सपना साकार हुआ। और आंदोलन ये बार बार कहता था कि एक दिन सदन में हंगामा होगा, और आज कल 6 तारीख है, सड़कों पे आंदोलन की बात बहुत जोर शोर से हो रही है, और आज 5 तारीख है कि सदनों में जोर शोर से हंगामा हो रहा है। अच्छा लगा, आंदोलन जीत रहा है। देश के सभी साथियों को पहली बात तो हृदय से आभार अभिनंदन। दूसरा, आशुतोष जी बड़ा क्षमा चाहते हुए मैं कहूंगा कि चोरों के हाथों में पुनः ताले और चाबी सौंप देना न्यायोचित नहीं। सरकार ने स्वयं यह बात कहा है कि उनकी तमाम प्रॉपर्टियों को हम अटैच कर लिए हैं, उसमें से जो भी अभी सामने नहीं आए, 18 अभी सामने नहीं आया है, 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास है। निर्मला सीतारमण स्पष्ट रूप से यह बात कह रही है कि पैसा लेना है तो आओ तो सामने, किसको दूं। यह बात स्पष्ट रूप से, मैं नहीं जानता कि उसका विश्लेषण कैसे होगा, क्या होगा, उसकी व्याख्या क्या होगी, उसको कई तर्कों से कैसे कैसे मापेंगे, लेकिन सच तो यह है कि निवेशक खोजे से नहीं मिल रहे, और अगर निवेशक खोजे से नहीं मिल रहे हैं तो कागजों का ही खेल है, और उस कागजों के खेल में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है जिसके कारण सरकार खोज नहीं पा रही। अब सरकार तो कागजों से ही खोजेगी, और सरकार कागजों से खोजेगी और सरकार को कागज मिल नहीं रहे हैं कि वास्तविक निवेशक कौन है। मैं फिर कहूंगा कि जिस दिन पहली बार अमित शाह ने जब पोर्टल लॉन्च करा था, और जब उस पोर्टल के लॉन्च करने के दौरान पोर्टल लॉन्च किया था, तो उन्होंने जो ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, सहारा की मंशा को भांप गए, वहां के लोगों की वेशभूषा को देख गए, एक्टिविटी पहचान गए, और उन्होंने 2 बार कि ध्यान रखिए निवेशक ही पैसा पाएगा, किसी को भी हम
भ्रम ना रहे कि कोई गैर निवेशक पैसा पाएगा, तो वो निवेशक ही खोज रहे हैं। पहली बात, ये बात अच्छी तरीके से हम आप जान जाए कि वो खोज रहे हैं तो निवेशक ही खोज रहे हैं, वो पाएंगे तो निवेशक ही पाएंगे। अब निवेशकों का तस्दीक होना सरकारों के हाथों में है। मैं सरकार को आपके मंच से एक सुझाव जरूर दे रहा हूं, मैं सरकार से कहूंगा, जैसे कि हम लोगों ने सीआरसीएस के पटल पे भी जाकर के पता कराया है, और सीआरसीएस के पटल पे भी ऐसा नहीं है कि वहां एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियों को दिग्भ्रमित कर रही है सहारा का प्रबंधन तंत्र, जो उसको अपने वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रही है। वहां भी पूरी टीम लगी हुई है जो काम करने करना तो चाहती है, लेकिन वो काम खुल करके नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां पे कागजों का मिलान सही ढंग से हो नहीं पा रहा। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि सरकार, सोसाइटियों का मामला है, कोऑपरेटिव मंत्रालय, भारत के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। भारत की सरकार ग्राउंड लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जो विभिन्न गांव देहातों में खुली हुई हैं, उनके वर्कर काम करते हैं, वो बैंक है और बैंकिंग प्रणाली है उसकी, उसको अनुभव है। हर जगहों पे अपने कैंप को सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से गांव स्तर पे जो रूरल साइड के लोग हैं, जो दस्तावेज को प्रस्तुत करने में परेशानियां कर रहे हैं, उनकी भौतिक सत्यापन वहीं से बैठ करके करा ले। गांव में पंचायतें हैं निर्देशित कर दें, गांव में ब्लॉक है निर्देशित कर दें, कोऑपरेटिव बैंक है निर्देशित कर दें, ये मामला एक महीने के अंदर साल्व हो जाएगा, ये मामला एक महीने के अंदर साल्व हो जाएगा। सरकार को आज मैं साधुवाद देता हूं, हम अपने आंदोलन को जीत मानते हैं, क्यूआई नेटवर्क सहित तमाम देश के जितने भी साथी, तमाम विभिन्न सोशल साइटों को हमारी मदद कर रहे थे, आज ये उनकी जीत है, सभी लोगों की बड़ी जीत है। 6 तारीख के आंदोलन की शुरुआत बड़े पैमाने पे हो दिखते ही सदनों में हंगामा हो रहा है, ये आंदोलन की जीत मानता हूं मैं, और 6 को आंदोलन बड़े पैमाने पे हो, ये बात निर्मला सीतारमण कह रही है कि आप अपने आप को प्रस्तुत करिए कि आप सच निवेशक हो, और वो ये कह रही है कि जब तक आप सच निवेशक हो ये प्रतीत नहीं कराओगे तब तक आपको भुगतान नहीं मिल पाएंगे। वो कह रही है मैं पैसा लेकर के बैठी हूं, आप ये प्रमाण दो कि पैसा आपका है, आप ये दस्तावेज प्रस्तुत करो कि पैसा आपका है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, 40,000 करोड़ तो ले लो। 40,000 करोड़ देने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार कह रही है तो मैं मोदी सरकार को दोषी नहीं मानता। पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 12 साल का मामला अगर लटका है तो पिछली गवर्नमेंटों के ये बड़ी मामले आज दर्शाते हैं कि शायद यह इच्छा शक्ति अगर उन्होंने दिखाई होती तो आज देश के निवेशकों का पैसा वापस हो गया होता, इतना बड़ा भंवर जाल में वो ना फंसते। अब सरकार अगर कमिटमेंट भी कर रही है और सदन में बैठ करके खड़े होकर के कह रही है कि मैं तो देने के लिए कह रही हूं, आप बाहर जाके कुछ गलत प्रोपोगंडा मत पेश करिए, तो मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा साफ है। अब सहारा की मंशा साफ है कि नहीं है, पैसा लेने वालों की मंशा साफ है कि नहीं है, और जिन लोगों ने पैसे को भ्रमजाल की स्थिति में फंसाया है उनकी मंशा साफ है कि नहीं है कि पैसा देश के निवेशकों का मिले। अगर ये सब चीजें सही होंगी तो मैं जानता हूं कि आंदोलन ने अपना काम कर दिया है, सहारा के पैसे के भुगतान के रास्ते खुल गए हैं, सरकार देना चाहती है, अब निवेशक चाहेंगे तो पैसा मिलेगा। नागेंद्र भाई जी बहुत बढ़िया, बहुत सही सलाह दिया। नागेंद्र जी सलाह दीजिए, क्या दे रहे हैं सरकार को? गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटठी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।